प्रिज्म इज अ वेज शेप्ड ट्रांसपेरेंट बॉडी विच काउजेज इंसिडेंट लाइट टू बी सेपरेटेड बाय कलर अपॉन एग्जिस्टिंग। अब इसके बारे में देखते हैं प्रिज्म का। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, सपोज ये हम लोगों का कोई भी प्रिज्म है, ये हम लोगों का कोई प्रिज्म है, इसका नेम देंगे, ये हम लोगों का ए हो गया, एंगल ए बी सी। प्रिज्म ट्रायंगुलर शेप का होता है, इस पे दो जो ए बी है उस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इसका जो नॉर्मल होगा उसको नेम दे सकते हैं हम लोग क्या, एन एन डैश। देयर आफ्टर इस लाइन पे एसी पे भी नॉर्मल जो क्रिएट करेंगे वो क्या हो सकता है, एम एम डैश, एम एम डैश, ये नॉर्मल हो गए। तो क्या जानते हैं, जब कोई भी लाइट रेज इंसिडेंट करेगा, तो अगर सपोज करते हैं ये हम लोगों का कोई भी लाइट रेज है, ये इंसिडेंस क्या, कौन से पॉइंट पे, यहां पे कोई भी पॉइंट ओ है, और ये हम लोगों का एनोदर पॉइंट क्या है, ओ डैश। तो ओ पे इंसिडेंस किया, ये हम लोग का एयर मीडियम है, ये हो गया ग्लास मीडियम, ये एयर मीडियम, ये एनोदर हम लोगों का ग्लास मीडियम आ गया, वंस अगेन ये आ गया एयर मीडियम। जैसे ही एयर टू ग्लास जाएगा तो टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, लाइट रेज क्या करेंगे, टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड्स करेंगे। तो ये हम लोगों का टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड्स किया, यहां पे जो हम लोगों का बनेगा एक्सओ, एक्सओ क्या है, ये है इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट हो रहा है, और रिफ्रेक्टेड रे क्या आ जाएगा, ओओ डैश, ओओ डैश हम लोगों का रिफ्रेक्टेड रे होगा, एंड देयर आफ्टर वंस अगेन ये जैसे ही रिफ्रेक्टेड रे पास करेगा यहां से, तो ये एक लाइन ड्रॉ करेगा, ओ डैश एंड पी, दिस इज कॉल्ड इमरजेंट रे, इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे। तो कौन, जैसे ही प्रिज्म का फेनोमेनन होता है तो तीन टाइप के रे हो जाते हैं, जब एयर टू ग्लास जाएगा तो वो ये कौन सा हो गया, ये हम लोगों का हो गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, आफ्टर इट विल बी रिफ्रेक्टेड रे, ये अब हम लोगों का आ गया रिफ्रेक्टेड रे, रे देयर आफ्टर इट विल बी कॉल्ड इमरजेंट रे। इमरजेंट रे का फॉर्मेशन किया। अब इसमें एंगल जो क्रिएट करेगा, ये जो इंसिडेंट रे क्रिएट किया इसको आई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आफ्टर दैट इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब ये जो रिफ्रेक्टेड रे इमरजेंट रे में चेंज हुआ गया है तो इसको ई से डिनोट करेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंट। अब देखिए जो ये इंसिडेंट रे है इसको जैसे ही हम लोग पीछे की तरफ अगर ये स्ट्रेट निकलता तो इसका क्या होता, अगर ये स्ट्रेट निकलता तो इसका ये लाइन शो करता, बट ये आफ्टर यूजिंग द प्रिज्म इट विल बी इमर्ज, सो अगर इसको जो ये इमरजेंट रे आ रहा है उसको पीछे के डायरेक्शन में बढ़ाते हैं तब ये कितना होता, तब ये इस डायरेक्शन, अब इतना का जो एंगल का डिफरेंस हो रहा है ये डी, एंगल ऑफ डेविएशन इसको डी से डिनोट करते हैं, ये क्या हो जाता है डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन ये डी क्रिएट कर रहा है। तो अब इसमें डिफरेंट का नेमिंग कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, जो हम लोगों का एक्सओ है वो क्या है, इंसिडेंट रे, एक्सओ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, देयर आफ्टर ओ डैश, ओ ओ डैश रिफ्रेक्टेड रे,
रिफ्रैक्टेड रे, देयर आफ्टर ओ डैश पी, ओ डैश पी इमर्जेंट रे। अब ये जो एंगल बना रहा है, इस डिफरेंट एंगल्स का नेमिंग करेंगे आई, एंगल आई इज कॉल्ड, एंगल आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देयर आफ्टर एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ई एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट। एंगल ई जो है वो एंगल ऑफ इमर्जेंट हो गया, एंगल डी क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ए इज एंगल डी इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन है इसीलिए डी से डिनोट किया गया है। और ये जो एंगल दिख रहा है एंगल ए, ये जो होता है इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल, एंगल ए इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल। तो यही जो प्रिज्म होते हैं उसमें डिफरेंट एंगल्स के डिफरेंट नेम होते हैं, डिफरेंट रे के बारे में जान चुके हैं, कौन कौन से रे का क्या क्या नियम होता है। तो इसी तरह वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस वर्ल्ड का, थैंक यू।